हेलो गाइस, आज मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए आम का अचार, वो भी मीठा आम का अचार। मैं बनाना बताऊँगी। देखिए, मैंने धो करके अच्छे तरीके से तैयार कर लिया, मसाले को मिक्स कर लिया। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ रानी, रानी की किचन में आपका स्वागत है। यार रानी, रानी की किचन में बन रहा है मीठा आम का अचार, तो मैं आपको मैंने इसमें जैगरी भी डाल दी। इसको बनाने के लिए हमें चाहिए कच्चे आम, कच्ची केलियाँ, और ये देखिए मैंने इसमें डाल दी हल्दी पाउडर, धोकर सुखा कुट्टे भुने कुटे हुए लाल मिर्च का पाउडर और लाल मिर्च काला स्वाद अनुसार, और अब इन सबको मैं वही मसाले ऐड कर दिए। इसमें पंचफोरन मसाले, इसको मिक्स कर लिया। पंचफोरन मसाले इसमें चले गए, मैंने मिक्स कर दिया था। चीनी गुड़ और सारे अचार मसाले, हल्दी पाउडर और मैंने लाल मिर्च का पाउडर गर्म किया तो ऑयल साथ में मैंने डाला है। इसमें ऐड करते हुए लाल मिर्च का पाउडर और ये सबको मैं ऐड कर रही हूँ। मिक्स कर नमक के स्वाद अनुसार डाले, इसमें ज़्यादा नमक जाते हैं। और मैंने डाला है शक्कर और जैगरी, सारे शक्कर और जैगरी को मिक्स कर दिया है। ये देखिए, और गर्म करके जो ठंडा करके तेल रखा हुआ था वो तो सारा ऑयल इसमें डाल दिया। मैंने मटर मसाला लिया है इसमें, और ज़्यादा मैं अभी नहीं ऐड करूँगी क्योंकि अच्छे तरीके से मिला लूँगी। सारे मसालों के साथ जितने आम के टुकड़े हैं सब में मिक्स हो जाए, अच्छी तरीके से ऐड हो गया। और इसको मैंने 1 से 1.5 घंटे के लिए बाउल में ही रहने दिया है कपड़े को ढक करके, ताकि जो ऑब्जर्व हो जाए ना हमारे मसाले, बहुत टेस्टी अचार बन के हमारा तैयार होगा। और इससे टेस्ट हमारा दुगना हो जाएगा आम के मीठे अचार में। और लंबे समय तक हमारे आम के अचार, जो मीठे वाले अचार मैंने बनाए हैं, वो लंबे समय तक अच्छी तरीके से रहेंगे। ये देखिए, मैंने मिक्स कर दिया है सारे मसाले, और ऐड करने के बाद, ऑयल ऐड करने के बाद इसको ढककर छोड़ दूँगी 2 घंटे के लिए। जब हमारे 2 घंटे पूरे हो जाएंगे, जब मैं इसको अच्छी तरीके से एक मर्दबान में डाल दूँगी, यानी कि जार में, आप चाहो तो कांच के जार में भी डाल सकते हैं। मैंने चीनी मिट्टी का जार लिया है, उसमें ऐड करिए। देखिए, उसके बाद जो मैंने ऑयल और ऐड करके इसको छोड़ दिया है, ढक्कन ढक के धूप में रख देना है बस। इसको हमारे आम के अचार बनके तैयार हो गए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।